हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मनी हाइस्ट सीजन 5 के पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि आज ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। तो ये जब रिलीज डेट अनाउंस हुआ था कि इंडिया पे कब आएंगे, उसके बाद ही मनी हाइस्ट फैंस के लिए एक बहुत ही एंटिसिपेशन डे था, और आज फाइनली ये वेब सीरीज रिलीज हुआ। तो आप लोगों को बता दूं कि ये सीजन 5 लास्ट है और पार्ट 2 रिलीज होंगे 3rd December को। तो पार्ट 1 कैसा हुआ, इसके बारे में मैं अभी बात करेंगे। शुरू से ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्पेन पे जो रॉबरी हो रहे थे, उस स्पेन के बैंक से ये लोग गोल्ड वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, और बाहर हम लोग देख सकते हैं कि पुलिस आर्मी सब लोग पूरे बैंक को घेर लेंगे इन लोगों को पकड़ने के लिए। और साथ ही साथ साइड पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रोफेसर जहाँ से कंट्रोल करते हैं उसी घर पे एक लेडी पुलिस ऑफिसर आएंगे जो कि प्रेग्नेंट है, और उसका भी एक अलग मोटिव है जो कि आप लोगों को इस वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे वो प्रोफेसर को जाके अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे प्रोफेसर को बंद करके रख देंगे। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बाकी जो टीम है अपने हॉस्टेजेस के साथ, वो यहाँ पे गोल्ड निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड हैं जो कि मेल्ट करके वो लोग यहाँ से निकलने की प्लानिंग करेंगे। लेकिन आर्टुरो एज यूजुअल इज द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर, और यहाँ पर भी उन्होंने जो कांड किया, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को सच में बहुत ही इरिटेशन आएंगे। तो दिस कैरेक्टर वॉज द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर इन द मनी हाइस्ट, और आई एम प्रीटी मच हैप्पी कि यहाँ पे जो रिजल्ट मिला, आप लोगों को थोड़ा राहत का सांस मिलेंगे, और क्या रिजल्ट था वो आप लोगों को देखने से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेन फोकस किया है ये 5 एपिसोड में, वो है टोक्यो के बारे में, क्योंकि टोक्यो इस टीम पे ज्वाइन करने से पहले उनका लाइफ क्या था, उनके बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ था, और वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल क्यों हो गए थे। और टोक्यो जब प्रोफेसर के टीम पे ज्वाइन किए, तो टीम पे ज्वाइन करने के बाद उनका मतलब एक्सपीरियंस क्या था सब लोगों के साथ, स्पेशली डीओ के साथ उनका क्या रिलेशनशिप था। तो यही सब कुछ हम लोगों को देखने को मिलेंगे। टोक्यो पर बेसिकली फोकस करेंगे कुछ एपिसोड के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्लाइमैक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, विच विल प्रीटी मच मेक यू इमोशनल। आप लोग बहुत ही इमोशनल हो जाओगे, जिस तरीके से वो सीन को पूरा एग्जीक्यूट किया है, दैट वाज इमोशनल एज फक। और मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से ये लास्ट एपिसोड ऐसे एंड करेंगे ना, कि आप लोग पूरा शॉक्ड हो जाओगे और आप लोगों को लगेगा कि नेक्स्ट 5 एपिसोड अभी रिलीज कर दें, क्योंकि बहुत हाइप लेके ये लास्ट एपिसोड एंड करेंगे। ये 5 एपिसोड का जो एग्जीक्यूशन था वो बहुत कमाल का था, एकदम शुरू से ही आप लोगों को यहाँ पे ढेर सारे एक्शंस देखने को मिलेंगे, और एक कॉम्पैक्ट थ्रिलर भी यहाँ पे दिया है। 5 एपिसोड यहाँ पे है, और ईच एपिसोड का रन टाइम है ऑन एन एवरेज 40 to 45 मिनट्स, सिर्फ एक दो एपिसोड शायद 50 मिनट से ज़्यादा है। तो 5 एपिसोड होने के कारण आप लोगों को उतना भी बोर नहीं लगेंगे, और यहाँ पे पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत अच्छे से डाला हुआ है। जिस तरीके से एक्शंस यहाँ पे यूज़ किया है, वो फायरिंग शॉट्स और कुछ ब्लास्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। आप अगर आप लोग वो ब्लास्ट सीन देखोगे तो आप लोगों को अलग सा मज़ा आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हर एक मेन कैरेक्टर्स है जो अभी भी बचा हुआ है, वो सब कैरेक्टर्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे दिखाया है यहाँ से निकालने के लिए। लेकिन क्या सच में सब लोग निकल पाएंगे या फिर क्या होगा, और प्रोफेसर को जो वो लेडी पुलिस ऑफिसर वहाँ पे अरेस्ट किया है अपने घर पे जाके, तो वो प्रोफेसर का क्या होगा, ये सब कुछ आप लोगों को पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो सीजन 5 के जो 5 एपिसोड है, BGM was terrific, बहुत ही अच्छा यहाँ पे BGM यूज़ किया है। एक्शन सीन्स पे जो BGM यहाँ पे दिया था, आप लोग पूरा वो एक्शन सीन एंजॉय करोगे। और बेसिकली यहाँ पे प्रोफेसर और बर्लिन ने क्यों ये ग्रुप क्रिएट किया था ये सब चोरी करने के लिए, वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे। तो कुछ बैक स्टोरी, कुछ प्रेजेंट स्टोरी यहाँ पे डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से दिखाया था। स्क्रीन प्ले वॉज एक्सीलेंट, आप लोग पूरा फर्स्ट से हुक्ड अप रहोगे। सच में लास्ट 2 एपिसोड वॉज जस्ट फैंटेस्टिक, जिस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया है, एवरी मोमेंट यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा थ्रिल देगा, और बहुत अच्छा एक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 5 एपिसोड का जो इंतजार हम लोग इतने सालों से कर रहे थे, दैट वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। और जिस तरीके से हाइप क्रिएट किया था, एब्सोल्युटली उसी एक्सपेक्टेशंस को लेके तो ये 5 एपिसोड यहाँ पे रिलीज हुआ है। तो मुझे ये 5 एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा, मैंने पूरा एंजॉय किया था। इट वॉज इमोशनल एज यूजुअल, लेकिन फिर भी आप लोग ढेर सारे यहाँ पे मोमेंट्स हैं, ढेर सारे यहाँ पे एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। एक फुल ऑफ मसाला ये वेब सीरीज है। तो मनी हाइस्ट का जो मेन थीम होता है, फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ थ्रिल एंड फुल ऑफ ब्लडशेड, गन फायरिंग, एम्यूनेशंस, तो वो यहाँ पे बहुत डबल डोज दिया था। तो अगर आप लोग एक्शन वेब सीरीज पसंद करते हो तो दिस विल बी अ ट्रीट फॉर यू टू वॉच। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये बोरिंग भी लग सकते हैं कि बहुत कुछ ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन मुझे उतना भी नहीं लगा, दैट वाज कम्प्लीटली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज देख लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।